करके अनफर्निश्ड बाथरूम को मैं कैसे डेकोर और ऑर्गेनाइज करती हूँ, यही आज शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने खरीदी वॉल को डेकोर करने के लिए कुछ वॉल पेंटिंग्स, जो मुझे काफी सस्ती पड़ी। केवल 350 रुपीस में मुझे ये 3 पीस मिले। बाथरूम के साथ साथ मेरा ड्रेसिंग एरिया है। पहले मैंने इनको ड्रेसिंग एरिया में लगाने की सोची और वहीं की थीम के हिसाब से मैंने इनको परचेज किया, लेकिन ये मेरे बाथरूम को बहुत ही अच्छी सूट करी, तो मैंने इनको ड्रेसिंग एरिया के साथ लगे हुए अपने बाथरूम में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर ये बहुत सुंदर लगी। कलर कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा है और बाथरूम और ड्रेसिंग एरिया की थीम को ये फुली फॉलो कर रही हैं। मुझे भी ये बहुत ही पसंद आई। सस्ते में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स विद फ्रेम मुझको ये मिल गई। इसके बाद मिरर के ऊपर मुझे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखने थे। डेकोरेटिव आइटम्स के लिए मेरे पास थे ये दो बहुत ही प्यारे स्वान का पेयर। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया और इसके साथ साथ मैंने डेकोर आइटम रखा एक प्लांटर। बहुत ही खूबसूरत एक्वा कलर के ये इतने प्यारे लगे कि जैसे ही मैंने इनको यहाँ रखा तो इन्होंने मेरे बाथरूम के और मिरर एरिया के लुक को बिल्कुल चेंज कर दिया। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वॉल शेल्फ देखिए मैंने ये लगाई और जैक्वार ब्रांड की मैं ये लेकर आई थी। उसके बाद साथ में रखा मैंने एक प्लांटर जिसमें मैंने एक रियल प्लांट की स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई हुई है। ब्लू और येलो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सूट किया। मिरर के ऊपर ये शेल्फ लगी हुई है तो वैसे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगी। इसके बाद बाथरूम में मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी एक एरोमा डिफ्यूज़र का होना, तो मैंने लिया ये एक एरोमा डिफ्यूज़र। बहुत ही सुंदर इसमें से लाइट निकलती है, इलेक्ट्रिक है और बहुत ही अच्छा सा सूदिंग सा इफेक्ट ये बाथरूम में क्रिएट करता है। रोशनी इसकी इतनी अच्छी आती है कि पूरा बाथरूम में एक भीनी भीनी सी इसमें लाइट रहती है। आगे अभी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद क्योंकि मेरा बाथरूम काफ़ी छोटा है तो मैं सामान रखने के लिए मुझे कुछ शेल्फ चाहिए थी और मैंने ली एक शार कैडी। ये शार कैडी मेरे शार में बहुत अच्छे से फिट नहीं हुई तो मैंने उसको यहाँ हैंग कर दिया। विड्थ काफ़ी छोटी है तो बिल्कुल भी निकलने बढ़ने में ये अड़ती नहीं है। वॉश बेसिन के एरिया के पास मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। क्योंकि बाथरूम मेरा अनफर्निश्ड है तो बहुत सारा सामान इसमें आ गया। रखी छोटी सी एक प्लास्टिक की मैंने यहाँ पे बास्केट रखी और बाकी जितने भी मेरा सामान था वो मैंने इसमें देखिए साइड में इसमें बने रहते हैं, काफ़ी स्पेस रहता है, तो मैंने जितने भी अपने फेस मास्क और क्रीम्स थी उनको कुछ इस तरह से साइड में लगा के मैंने यहाँ पे रख दिया। बहुत सारा सामान मेरा इसी में आ गया क्योंकि मेरे पास कोई भी बाथरूम में प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर कि मैं सामान रखूँ। फिर मैंने देखिए एक DIY किया। बाथरूम में जब फेस मास्क वगैरह लगाते हैं तो रखने के लिए यहाँ पे सामान चाहिए, तो अब उस सामान को हम कहाँ रखें, प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, तो मैंने बनाया यह एक छोटा सा DIY। इसको वॉश बेसिन के ऊपर रख दीजिए तो काफ़ी सारा सामान इसके ऊपर आ जाता है। बहुत ही कन्वीनियंट मुझे ये लगा यहाँ पे क्योंकि बाथरूम में कहीं पे भी कोई सामान रखने की जगह नहीं है। इसे बनाने के लिए मेरे पास था बच्चों का एक पुराना गेम का देखिए इस तरीके का बोर्ड। इस बोर्ड को मैंने यूज़ किया। इस बोर्ड के ऊपर मैंने लगाया कुछ बचा हुआ वॉलपेपर। वॉलपेपर से आराम मुझे ये हुआ, ये गीला होने के बाद भी जैसे छींटे वगैरह पड़ते हैं तो ये ख़राब नहीं होता, तो वॉलपेपर मैंने इसमें लगा दिया और ये देखिए कितना शानदार बन गया। अब बाथरूम में कुछ फ्लावर्स हों, कलर्स हों तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है लुक। तो बाथरूम में मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, काफ़ी पहले से मैंने ये रख रखे हैं और ये एक कलर इन्हांस करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा कलर देते हैं। हैंड वॉश करने का जो ये सिस्टम है इसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया बेसिकली, तो ये गिरता भी नहीं है। ग्लू गन से मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया और जब इसे निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कुछ इसी तरीके से मैंने इसको पेस्ट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टॉवल वगैरह हैंग कर दी तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक यहाँ पे आ गया वॉश बेसिन एरिया का। काफ़ी सारा सामान यहीं रखा हुआ है और बिल्कुल भी उसने नीचे ज़मीन की जगह नहीं घेरी। इसके बाद साइड में है विंडो, एक छोटी सी विंडो है, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। लिए मैंने अमेजोन से दो बास्केट ये मैंने मंगाई थी, इन दोनों बास्केट को और छोटे छोटे सामान को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। बास्केट को S हुक की मदद से मैंने यहाँ हैंग करा ग्रिल से,
बहुत सारा, जैसे आपके फेस मास्क हैं या छोटा मोटा कुछ और सामान है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे आसानी से आ जाता है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये बिल्कुल भी गिरती नहीं है। बहुत अच्छे से एस हुक से देखिए ग्रिल से ये मैंने लटका दी है। साइड में रखा हुआ ये छोटी छोटी सी जो बॉटल्स रखी हैं होम सेंटर से मैंने परचेस करी थी, इसमें ईयरबड्स, कॉटन की बॉल्स और मेरा बेसन वगैरह जिससे मैं फेस वॉश करती हूँ वो यहाँ पे रखा रहता है। तो इस विंडो पे बहुत सारा सामान आ जाता है, काफ़ी सारा सामान मैंने रख लिया। विंडो के ऊपर देखिए ये एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स है जिसमें और भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ रहता है। अब देखिए मुझे बनानी थी कुछ एरोमा का, कुछ मुझे एरोमा कैंडल बनानी थी ताकि मैं एक स्पा लाइक इफेक्ट क्रिएट कर सकूं गेस्ट जब कभी आते हैं उसके लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक इस तरह से एक बास्केट क्रिएट कर दी। साइड में रखे कुछ अपने क्लीनिंग के आइटम्स, इन क्लीनिंग के आइटम्स से वो हैं ये जिनकी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ इन आइटम्स की, तो ये मैंने यहाँ कॉर्नर में प्लेस कर दिए। तो देखिए इस तरह से कॉर्नर में प्लेस हो गए ये क्लीनिंग आइटम्स और ऊपर आ गया ये स्पा का एक छोटा सा DIY। अब देखिए मैंने डिफ्यूज़र की रोशनी में लो लाइट में इसका लुक कैसा लगा ये देखिए। इतना सूदिंग इसका लुक था कि मैं भी अब मतलब लाइट जलाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि इससे पूरे बाथरूम में बहुत ही सूदिंग सा एटमॉस्फियर क्रिएट हो गया। इतना लाइट लग रहा था, ऐसा लग रहा था वाकई हम रियल स्पा में बैठे हुए हैं, और केवल एक डिफ्यूज़र से वो स्पा लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। तो ये आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है जब हम इसे डिफ्यूज़र की रोशनी में मतलब मैं हम इसे देख रहे हैं। कॉर्नर पे रखी हुई है देखिए कैंडल, एरोमा कैंडल, उसको भी मैंने जला दिया। तो कुछ इस तरह से भीनी भीनी सी बिल्कुल लाइट, और अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप किसी स्पा में ही बैठे हुए हैं। और पूरा लुक देखिए कुछ इस तरीके का बाथरूम का आया, ये बहुत ही लो लाइट में इस तरह से लुक निकल कर आया। और अब देखिए जब फुल लाइट थी तब फुल लाइट में ये कैसा लगा। छोटा सा बाथरूम जिसमें कोई भी बहुत बड़ी जगह नहीं है, मैं कोई प्लेटफॉर्म भी अभी नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा रही हैं चीज़ें जो मुझे पसंद आ रही हैं। तो मैंने इसको एक बहुत ही छोटे से तरीके से एक छोटी सी जगह में कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया। थोड़ा सा डेकोरेशन भी डाला लेकिन डेकोरेशन थोड़ा अपर साइड में रखा और नीचे का एरिया मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा। कभी कभी आप इसमें प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से लुक निकल कर आया बाथरूम का। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा बाथरूम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं डिटेल में और ये धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो याद है ना कि आपको लाइक ज़रूर करना है। मेरा जो पिछला वीडियो था वो एक मोटिवेशनल वीडियो था, उसे भी आप लोगों ने शायद नहीं देखा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, उस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, मैंने बहुत मन से वो आपके लिए बनाया है, ज़रूर देख के उसमें भी कॉमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।